ये पहले मामले में लापरवाही की बड़ी पोल खोल रही है और कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जयपुर के कावटिया अस्पताल से कोरोना वैक्सीन के 320 डोज चोरी हो गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोविड वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। देश में कोरोना वैक्सीन चोरी होने का ये पहला मामला है। घटना शहर के शास्त्री नगर स्थित कावंटिया अस्पताल की है, जहां कोविड वैक्सीनेशन के दौरान कोल्ड स्टोरेज में रखी 320 को वैक्सीन की डोज चोरी हुई है। कोविड वैक्सीन चोरी होने की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हमारे राजस्थान जयपुर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हमारे 320 डोज यहाँ से गायब हुई है। हमने अधीक्षक को निर्देशित किया है कि तुरंत इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, क्योंकि इसे गैर कानूनी है, इसका उपयोग करना भी गैर कानूनी है। हमको ताज्जुब कर रहे हैं कि कैसे 320 डोज कैसे किस सख्ती तरह यहाँ से हटाई गई। कावंटिया अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले की जांच में नतीजा विफल रहने के बाद अब मामला शास्त्री नगर थाने पहुंचा। शास्त्री नगर थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया, कावंटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया कि कावंटिया अस्पताल में 11 अप्रैल को 200 वैक्सीन की डोज कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक में थी। वहीं 12 अप्रैल को फिर अस्पताल प्रशासन को 489 डोज और मुहैया कराई गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने स्टॉक की जांच की तो 320 को वैक्सीन की डोज कम मिली। उन्होंने बताया, अस्पताल प्रशासन की ओर से कोल्ड स्टोरेज में रखी वैक्सीन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। फिलहाल पुलिस जांच के लिए अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। माना जा रहा है जल्द कोविड वैक्सीन चोरी के मामले में खुलासा सामने आ सकता है। देख सकते हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया, उन्होंने मामला दर्ज कराया कि 320 कोवैक्सीन के डोज थे जो इन्होंने जो सेंटर था इनका उसमें रखा हुआ था। वहाँ इन्होंने चेक किया तो उसमें से 320 डोज गायब मिले। उस आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। सर, कितनी तारीख को चोरी गायब हुए, मतलब ये वैक्सीन? ये इन्होंने 11 तारीख को वैक्सीन आई थी, 12 को इन्होंने चेक किया। हालांकि वैक्सीन की चोरी होने के मामले में लापरवाही ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द लापरवाहों का पूरा हिसाब हो सकेगा। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।